बार बार भारत समेत कई देश पाकिस्तान को आतंकियों का पालनहार बताते रहे हैं। अमेरिकी नियामक फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क यानी फिनसेन ने ऐसा खुलासा किया है जो सिर्फ पाकिस्तान की ही पोल नहीं खोलता बल्कि आतंक की जड़ों को भी ध्वस्त करने का काम करता है। फिनसेन ने जो खुलासा किया है उसकी कहानी एक शख्स अल्ताफ खनानी के इर्द गिर्द घूमती है, एक ऐसा पाकिस्तानी बिजनेसमैन जिसने सिर्फ आतंक को ही नहीं पाला बल्कि नशे के कारोबार में इतना पैसा लगाया जिसको सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। फिनसेन की सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट यानी सार ने खनानी का नाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की शिकायत के बाद शामिल किया था। हर साल 16 बिलियन डॉलर की रकम इधर उधर करने वाला खनानी हवाला की दुनिया का किंग था। इतनी बड़ी रकम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकियों के पोषण और नशे को बढ़ावा देने के लिए खर्च की जाती थी। अलकायदा, तालिबान के आतंकी संगठनों, हिजबुल और भारत के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद से करीबी रिश्ते इस हवाला किंग की कहानी बयां करते हैं। इन आतंकियों को खनानी हर साल तकरीबन 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर करता रहा। यूं तो खनानी पाकिस्तानी नागरिक है लेकिन उसकी जड़ें गुजरात से जुड़ी हुई हैं। खनानी का मेनन परिवार मूल रूप से गुजरात से ताल्लुक रखता है। उसका परिवार भारत बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया और सिंध में जा बसा। उसके पिता अब्दुल सत्तार कपड़ों की फेरी लगाने का काम करते थे। उसका भाई जावेद भी हवाला कारोबार से जुड़ा रहा जिसने 2016 में आत्महत्या कर ली थी। अल्ताफ पैसों का हेर फेर खनानी एमएलओ और अल जरूनी एक्सचेंज के नाम से करता था। इन कंपनियों की जड़ें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका में फैली हुई थी। हवाला का पैसा जहां भी भेजना होता था उसे पहले उतनी कीमत का सोना या हीरे खरीदे जाते थे जिसके बाद तस्करी के जरिए उस हीरे या सोने को दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। तस्करी के बाद ये सोना या हीरे को बेचकर पैसा ग्राहकों तक पहुंचाया जाता था। इस पैसे के जरिए आतंकियों की ट्रेनिंग से लेकर तबाही तक हर मंजर का इंतजाम किया जाता था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1993 और 2008 में हुए मुंबई हमलों में भी खनानी के पैसों का ही इस्तेमाल किया गया था। अल्ताफ खनानी को 2015 में पनामा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। जुलाई 2020 को उसकी सजा खत्म हो गई जिसके बाद उसे अमेरिकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को सौंपा गया था। फिलहाल साफ नहीं है कि वह पाकिस्तान में है या फिर उसे यूएई भेजा गया। अल्ताफ के दाऊद से भी कनेक्शन है इसका पता भी अमेरिका ने ही लगाया था। वर्तमान में लश्कर और जैश से संबंधों के चलते भारतीय एजेंसियां इस नेटवर्क के ध्वस्त होने को बड़ी कामयाबी मान रही हैं। खनानी के वकील ने कहा है कि उसके पास अब कोई पैसा नहीं है, उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं और बीते 5 सालों में वो किसी भी व्यापारिक गतिविधि से नहीं जुड़ा रहा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,